कोरोना वैक्सीन, उसमें अभी बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने लगवाई है उनको हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। मैं पूरे परिवार ने दोनों लगवाई है, आज तक कोई परेशानी नहीं। लगता है कि बीजेपी के लिए आसान था करना ये चीज? बीजेपी के लिए आसान नहीं, मोदी के लिए आसान था। अच्छा, शिवराज को इस बार नहीं बैठाना है, शिवराज को दिल्ली लेकर जाना है। 9 बजे तक पुलिस वाले बैठे, 500 दो जाओ। अभी हो चाहे लाइट हो चाहे रोड हो, कोई चीज की परेशानी नहीं है। तो अभी ये बताओ कि जैसे ये कोरोना वैक्सीन के बारे में सुने हो, कुछ लफड़ा हुआ है उसमें? नहीं। कि कोरोना वैक्सीन जो लगवाए थे, कौन सी लगवाए थे, याद है? नहीं, लगवाए दोनों दोस्त थे। दोनों लगवाई हमने। तो अभी जिस कंपनी ने ये मेडिसिन बनाई थी कोरोना वैक्सीन, उसमें अभी बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने लगवाई है उनको हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। कंपनी ने खुद ही ये चीज बोला है कोर्ट में, तो क्या लगता है? हमारे पूरे परिवार ने दोनों लगवाई है, आज तक कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो मतलब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं। कि है ना? नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? रामेश्वर चौरसिया। रामेश्वर, आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा था वो, आज से नहीं, कई पीढ़ियों से। कांग्रेस भी थी, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? बीजेपी ने क्यों करा? एकदम सही आप बोल रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी के लिए आसान था करना ये चीज? बीजेपी के लिए आसान नहीं, मोदी के लिए आसान था। अच्छा, मोदी और योगी है, इन दो की साठगांठ से समाधान हुआ है पूरा। तो अगर बीजेपी केंद्र में होती, मोदी जी होते, और उत्तर प्रदेश में योगी नहीं किसी और पार्टी की सरकार होती, क्या राम मंदिर बनना संभव होता? होता, लेकिन कठिनाई में। अच्छा, डबल इंजन की सरकार बन गई ना वहाँ पे, स्टेट की हो गई, सेंट्रल की हो गई, डबल इंजन सरकार, दोगुना काम होता है। यहाँ भी डबल इंजन है, वहाँ भी डबल इंजन है। तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो राजनीति के, शिवराज को इस बार नहीं बैठाना है, शिवराज को दिल्ली लेकर जाना है। क्या बनाना चाहिए उनको दिल्ली ले जाके, ये तो साहब को अपन बता नहीं सकते। नहीं, क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान जी का कैसा कार्यकाल था? इतने कार्यकाल तो उनका बहुत अच्छा था। आज भी उनका 74 बंगले में मकान मामा के नाम से बाहर वोट लगा है, मामा का घर। कोई भी किसी टाइम जा सकता है मिलने के लिए। अच्छा, नेता कैसे थे शिवराज सिंह चौहान? ईमानदार है, क्या है, कैसा है, प्रदेश कैसे चला रहे थे वो, उनके प्रदेश चलाने में क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी? नहीं, अच्छाई तो ये कि किसी पब्लिक को कोई चीज की परेशानी नहीं आई शिवराज के राज में। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है डॉक्टर मोहन यादव का? मोहन यादव जी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब इतनी हर चीज में शक्ति कर दी होने की पब्लिक उनसे परेशान है अभी। अच्छा, क्या शक्ति कर दी? जगह जगह हर चौराहे पे चेकिंग। अच्छा, रात में 9-10 बजे तक, बाकी 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद चेकिंग होना नहीं चाहिए। 9 बजे तक पुलिस वाले बैठे, 500 दो जाओ। अच्छा, मतलब चेकिंग ऐसा नहीं है कि वाकई में सुरक्षा को लेकर है, ये कलेक्शन के लिए? तो ये भैया भोपाल में है और अपनी टैक्सी चलाते हैं, और ये पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हर 10 कदम पे चेकिंग पॉइंट है और 500 रुपए लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। आचार संहिता के कारण अभी है, आचार संहिता जैसी हटेगा तो सब नॉर्मल। लेकिन उसको मिसयूज कर रहे हैं ना फिर? नहीं, कोई मिसयूज नहीं है, आचार संहिता में सब चीज जरूरी, प्रोटोकॉल जरूरी होता है। पैसा का लेन देन तो नहीं हो रहा है, उसके अलावा कहीं दंगे तो नहीं हो रहे हैं, कोई पार्टी कहीं मनमानी तो नहीं कर रही है, वो इसके लिए है। लेकिन इनको अभी ये बोल रहे हैं कि जनता को परेशान किया जा रहा है, और ये बोल रहे हैं कि वो पैसा लेने से किया जा रहा है। मार्केट 11 बजे का आगे से मार्केट 11 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन DIG वाला मार्केट पूरा रात रहता है खुला। अच्छा, पूरी रात तो अच्छा है ना, व्यापारियों का धंधा हो रहा है, लोगों को खाने पीने के लिए। सारी दुकानें आप रात में 11 बजे बंद करवा रहे हो यहाँ मार्केट की सबकी, लेकिन वो इस साल रात भर क्यों खुला है? अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर।